तो ये मेरे को दादा ने दिया था, दुबई भी लिया था पिछले साल हमने, और उसके बाद से मैंने परफ्यूम यूज ही नहीं किया है। आज फाइनली इसका दिन निकल रहा है दिसंबर में कि आज मैं इसको यूज करता हूँ। डेविड ऑफ नाम है इसका, तो इसको आज हम ट्राई करेंगे और इसको रेगुलर में लेकर आता हूँ मैं, देखते हैं कैसे मिले। ये रेगुलर वाला नहीं है बट ये फंक्शन है। हाँ तो हमारा हर दिन फंक्शन है। नहीं तो रेगुलर वाला बाबा वाला है ना, हाँ लेकिन वो बहुत अभी तुम्हें रेगुलर हो चेंज गया। करना हाँ है, बहुत चेंज समय करना से यूज कर रहा हूँ। है। लेट्स सी। ठीक है चेंज कर लो। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। नया दिन, नया व्लॉग, नई शुरुआत। और आज का वेदर देख के समझ में ही नहीं आ रहा है कि बारिश होने वाली है या ठंड लगने वाली है, पता नहीं क्या होगा। लेट्स सी, देखते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ मेरे ये प्लांट्स ब्यूटीफुल से। और अभी बस मेरी एक्सरसाइज हो गई है और मैं अभी थोड़ा सा हल्का फुल्का मतलब रिलैक्स डाउन हो रही हूँ, उसके बाद फिर अपना बाकी का दिन शुरू करेंगे। दुविधा को समाप्त करते हुए बारिश हो चुकी है और बहुत ही बड़ी बड़ी बूंदे हैं भाई। मुझे भाजी लेने जाना है लेकिन बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब कैसे होगा, अब क्या भाजी बनाऊं, मुझे वही टेंशन आ जाता है। अभी भी चल रही है बारिश। आज तो ब्लिंकिट ने मुझे बचा ही लिया है क्योंकि मेरे पास सब्जी ही नहीं थी। मतलब शाम को क्या सब्जी बनाती, मेरे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। और नीचे सब्जी वाला भी नहीं आया बारिश के वजह से, और कल हम लोग सब्जी लाना भूल गए। मतलब मैं बिल्कुल, मेरे पास सब्जी सब्जी ही नहीं है। बच गई, मुझे ब्लिंकिट ने सच में बना लिया। अब बस वो जल्दी से आ जाए ताकि, और सही आए, क्योंकि ब्लिंकिट से सब्जी मंगवाना मतलब बाप रे डेंजरस होता है। वो तो बहुत कभी कभी खराब सब्जी देता है। समय पे आ गया। रंगोली भी चेक कर लेती हूँ, लगे इसको यहाँ रखो एक मिनट। देखा, ये तो स्ट्रीक नहीं टूटा है। आज भी मेरी रंगोली खराब कर दी गई है। वो भी तैयारियां शुरू है हमारी व्लॉग की। ये हमारा वो स्टैंड है। अच्छा ये रील की है, अभी रील बनेगी। और ये स्टैंड मुझसे खुलता ही नहीं है। हाँ वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये। हाँ थोड़ा लगेगा, तो ये अच्छा बड़ा स्टैंड है और अच्छा मजबूत। रुद्राक्ष की माला पहनते हैं तो ये रील पूरी जरूर देखिएगा, बड़े काम की है आपके। दरअसल पवन रुद्राक्ष का महत्व जानना चाहते हैं और यही सवाल कार्तिकेय जी ने भगवान शिव से पूछा पद्म पुराण में। और शिव जी कहते हैं कि देखो रुद्राक्ष की माला का एक एक दाना एक एक देवता के बराबर होता है। जब तक यहाँ अगले रील की प्रैक्टिस हो रही है तब तक मैं थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ। मेरा थोड़ा बहुत वॉक तो ऐसे ही हो जाता है रील का इंतजार करते करते। ये देखिए 7 बज रहे हैं, 7 ही बज रहे हैं, घड़ी पीछे है याद रखना। एक्चुअली बहुत देर तक अगर आप रील बनाते हो तो पैर पूरा सुन्न हो जाता है। ये अभी से नहीं है, मैं जब से जनवरी से जब से हम बना रहे हैं। एक्चुअली हमारा यही एक स्पॉट हमें थोड़ा लाइट के हिसाब से सही मिलता है, तो इसमें वज्रासन में बैठना पड़ता है तो उसकी वजह से पूरा पैर सुन्न हो जाता है। सुन्न हो जाता है। अभी तो मैं बहुत कम वीडियो बनाता हूँ, पहले तो मैं जब एक दिन में 3-3 रील पोस्ट करता था तो आप ही मानकर चलिए हम लोग 7 दिन का 21 रील बनाते थे, 21 रील्स। राइट राइट, बहुत बड़ी चीज थी वो। शाबाश, गुड, उठ जा, बहुत हो गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग। गाइस नेक्स्ट डे हो गया है। कल मैंने ज़्यादा और कुछ शूट नहीं किया क्योंकि ठंड के वजह से कल मेरा बहुत सिर दुख रहा था और काम करने के बाद मेरा सिर और दुखने लग गया आवाज़ की वजह से, तो फिर मैंने ब्लॉग ही नहीं बनाया। आज मैंने सोचा कि मैं इसी ब्लॉग को कंटिन्यू कर लेती हूँ क्योंकि कल मैंने ज़्यादा शूट ही नहीं किया था। तो अभी फ़िलहाल मेरा सब कुछ हो गया है, मेरा सर अभी भी दुख रहा है तो मैंने ये टोपी वोपी सब पहन लिया है और अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा रिलैक्स करने क्योंकि आज भी काम करने हैं। तो उससे बेटर है कि मैं पहले थोड़ा सा खुद को कूल डाउन कर लूँ, थोड़ा सिर दुखना मेरा कम हो जाए और फिर मैं बढ़िया से अपने काम में लग जाऊँ। तो अभी मेरे पास काफ़ी समय है, मैं आराम से अपनी कॉफ़ी पीऊँगी, पेपर पढ़ूँगी और फिर बाकी सारे चीज़ों में
अपना काम शुरू करूंगी। तो मेरी एक ऑल इन वन ग्रेवी है जो आप किसी भी सब्जी के लिए बना सकते हो, मटर पनीर हो, आलू हो, बैंगन हो। तो मैंने सोचा मैं आज वो ग्रेवी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। वो सबसे ज्यादा इजी है और अगर आपको प्याज लहसुन नहीं डालना है तो वन ऑफ द बेस्ट ग्रेवी, मतलब अल्टीमेट। आप बस रेसिपी देखिए। इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए टेस्टी टेस्टी। हाँ थोड़ी और डाल दीजिए। और एक मतलब इतना टेस्ट। वैसे हल्दी सेहत के लिए भी हेल्दी रहती है। और हमने यहाँ पे लीला है हमने यहाँ पे लिया है 2 चम्मच। मराठी में लेने को कहते हैं ना लीला है, नहीं वो लिखने को कहते हैं। घेतले। और उसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। आप चाहे तो जीरा पाउडर भी डाल सकते हो। इसे अच्छे से मिक्स 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 कर लेना है। बहुत बढ़िया। वीडियो जो बना रहा बड़ा खुश है वो, अच्छा आइटम खाने को मिलेगा। पर जो वीडियो बना रहा है उसे ये थोड़ी पता है कि ये आइटम तो रखा हुआ आइटम खत्म करने के लिए बनाया जा रहा है। बोले अच्छा मिलना चाहिए बस। फिर जब ग्रेवी और तेल का अच्छे से ब्रेकअप हो जाए उसके बाद डाल दीजिएगा जो 2 चम्मच दही हमने बनाया था। और इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। इट्स बेटर कि आप पहले अपने टमाटरों को टेस्ट कर ले कि वो कितने खट्टे हैं, सो दैट ग्रेवी ज़्यादा खट्टी खट्टी ना लगे। अच्छा बैलेंस होना चाहिए। और खट्टेपन को बैलेंस करने के लिए आप इसमें डाल सकते हैं थोड़ा सा गुड़ या चीनी, जो भी आप खाते हो। इसके बाद आपकी जो भी सब्जी है, पनीर, आलू, बैंगन, बैंगन के साथ ये ज़्यादा अच्छा लगता है। ये रेसिपी मैंने टेस्ट बैंगन के साथ ही की थी, बट आज मैं इसमें पनीर डाल दे रही हूँ। तो जो भी आपका एलिमेंट है वो आप इसमें मिला दीजिए और बस थोड़ा सा पानी मिला के ग्रेवी को अपने हिसाब से जितना कम ज़्यादा थिकनेस चाहिए वैसा कर दीजिए। एंड यू आर डन, यू आर रेडी टू ईट। तो तुम अब मुझे रिव्यू दोगे, तुम्हारे बाल पूरे बिखर चुके हैं। एक्चुअली मैंने तो पहले खाया है बैंगन के साथ, थोड़ा सही कर लो। तो बहुत बढ़िया। तो मुझे तो आइडिया है कैसा है। और पनीर है,
तो मुझे तो वैसे ही कैसे भी अच्छा लगेगा ना पनीर, पनीर तो। मुझे कच्चा खिला लो, पनीर मुझे 2 दिन पुराना खिला लो, ठंडा खिला लो, गरम खिला लो। नहीं ठंडा कहाँ खाते हो तुम, ठंडा भी अगर सब्जी मतलब फ्रिज में रखी हो। बढ़िया मस्त, पक्का पक्का मस्त की ठीक ठीक वाला मस्त, जैसा होना चाहिए वैसे ही है। तो मतलब एकदम क्विक इजी सी एकदम रेसिपी है ये। अरे मुझे मेरे को जम गया ऐसा। तो आप लोग भी ये रेसिपी ट्राई करके मुझे बताइए कि आप लोगों को अच्छी लगी है या नहीं लगी है। अब हम खाते हैं अपना खाना। Yes. कल तुमने क्या बोला था, अब हमें है जाना क्योंकि हमें है खाना, क्योंकि हमें है खाना। तो इसी के साथ डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज अखिल अक्षा की दुनिया। अब कल आना।